हेलो एवरी वन दिस हेड गर्व विद कॉरियर इंग्लिश टीचर सो टुडे वी वील गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर एट ऑफ इंग्लिश द स्काई लार्क स्काई लार्क बेसिकली देर इज़ अ बर्ड नेम्ड स्काई लार्क सो वॉट इफ यू हैव पेट्स एट योर होम एंड यू डोंट केयर ऑफ देम या फिर कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद होती है आप अपने घर पर लेके आते हो उनका ध्यान नहीं रखते उनकी केयर नहीं करोगे तो क्या होगा वो आपके साथ अटैच नहीं होंगे है ना तो और वो चीज़ गलत भी अगर आप उनकी उनका ध्यान नहीं रखोगे सो द स्टोरी इज अबाउट ऑल दिस किंग लालची हैड मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन हिज पैलेस किंग होता है लालची है उसका नाम जिसका uh, जिसके पैलेस पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं ही हैड ब्यूटिफुल ज्वेल्स वॉसिस पेंटिंग्स एंड कारपेट्स ज्वेल्स एंड वाशिज क्या होगी मीन्स अच्छी अच्छी उसमें उन्होंने ज्वेल्स ज्वेलरी होती है ठीक है स्टोन्स हो गए प्रीशियस स्टोन्स वॉशिज होते हैं फ्लावर पोर्ट्स पेंटिंग्स और कारपेट्स उन्होंने काफी अच्छे अच्छे घर पे रखे होते हैं वेन ही सा समथिंग न्यू ही टुकिट एंड पुट इन हिज पैलेस जब भी वो कुछ नई चीज़ देखते हैं उसको अपने साथ अपने घर पर रख लेते हैं इट विल मेक मी हैप्पी ही सैड उनको क्या वो कहते हैं कि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है जो भी चीज पसंद आती है मैं उसको अपने घर रख लेता हूँ बट ही वॉज नॉट हैप्पी He felt old and tired and sad. King लालची खुश नहीं था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ और परेशान सा था One day the king heard a beautiful song. उन्होंने एक बहुत beautiful song सुना He closed his eyes and listened. उन्होंने अपनी आँखें बंद की और सुनने लगे इट वॉज sunshine. सनशाइन जो सॉन्ग था वो किसके ऊपर था सनशाइन के ऊपर था गाना अ फ्लोइंग रिवर जेंटल ब्रीज इट वॉज सॉन्ग अबाउट जॉय मीन्स पानी की नदी बह रही है जेंटल ब्रीज अच्छी अच्छी हवा चल रही है जो सॉन्ग था वो एक जॉय था मतलब उनको खुशी मिल रही थी इससे फॉर द फर्स्ट टाइम इन इज लाइफ द किंग फेल्टेपी फर्स्ट टाइम किंग खुश हुए थे singing that song? वो इज सिंगिंग दैट सॉन्ग वो पूछते हैं अपने सर्वेंट से कि गाना कौन गा रहे हैं ब्रिंग हर टू मी आई वॉन्ट हर टू स्टे इन माई पैलेस आई वॉन्ट हर टू सिंग एवरी डे वो कहते हैं उसको मेरे पास लेके आओ मैं उसको अपने पैलेस में रखूँगा और रोज उनसे गाना सुना करूँगा द किंग्स सर्वेंट्स लुकड एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड द सिंगर जो किंग के सर्वेंट थे उन्होंने हर जगह देखा बट कोई भी उनको सिंगर नहीं मिला एट लास्ट दे आस्क द यंग गर्ल हुई इज सिंगिंग दैट सॉन्ग सर्वेंट्स ने बाहर किसी लड़की को पूछा कि ये गाना कौन गा रहा है इज द स्काई लाक द गर्ल रिप्लाइड लुक अप देयर इज देयर शी इज शी इज़ हाई इन द स्काई वो कहते हैं वो स्काई लार्क है लड़की बोलती है वो स्काई लार्क है द ब्राउन बर्ड ऊपर देखो वो हवा में है ऊपर स्काई में उड़ रही है द शॉवेंस लुक्ड अप कैचर दे शाउटेड टेक हर टू द किंग शॉवेंस देखते हैं कहते हैं पकड़ो और उसको किंग के पास ले जाओ जो।, जो गर्ल होती है वो कहती नहीं नहीं ऐसा मत करो और आ, कि उसको उड़ने दो उसको मत लेके जाओ प्लीज लेट हर फ्लाई इन द स्काई उसको उड़ने दो उसको मत लेके जाओ बट द किंग सर्वेंट डिड नॉट लिसन टू द गर्ल जो सर्वेंट्स होते हैं उन्होंने नहीं सुनी दे वॉचड एंड वेटेड उन्होंने वॉच किया और पक उसको देखते रहे कि हम उसको लेके जाएंगे बर्ड को सून द स्काई लॉग फेल डाउन एकदम क्या होता है स्काई लॉक जो होता है जो बर्ड होता है वो नीचे आता है शी वॉज नाउ सिटिंग ऑन अ लो ब्रांच ऑफ अ ट्री फिर उसके बाद वो एक छोटी ब्रांच मतलब सीडिंग लो ब्रांच जैसे ट्री की जो सबसे नीचे वाली ब्रांच होती है उस पर बैठी होती है सर्वेंट्स कॉट द बर्ड एंड टूक टू द पैलेस सर्वेंट्स क्या करते हैं बर्ड को पकड़ते हैं और उसके पैलेस में ले जाते हैं इज द सिंगर दे साइड वो कहते हैं ये रहा सिंगर वॉट द किंग क्राइड किंग कहते हैं क्या दिस इज अ स्मॉल बाउंड ब्राउन बर्ड शी इज अगली शी कैन नॉट सिंग दैट द्यूटिफुल सॉन्ग किंग कहते हैं क्या तुम पागल हो ये एक तो छोटी सी बर्ड है ये पागल है जो ये शी इज़ अगली शिकानो सिंह अब ब्यूटीफुल सॉन्गे तो देखने में अच्छी नहीं लग रही ब्यूटीफुल सॉन्ग कैसे गाएगी द सावेंस व कन्फ्यूज साज ही है कि इनको किंग uh, कहता है कि इसको बर्ड को स्काईलाग को गोल्डन ब्रिज बर्ड केज के अंदर रखो हम उसको वहां सुनेंगे द स्काई लॉक फेल्ड सेट जो स्काई लॉक थी वो परेशान हो जाती है शी ड नोट वॉन्ट टू सिंग इन केज वो केज के अंदर बंद कर गाना नहीं गाना चाहती थी दंग ने वेट किया बहुत वेट किया पर ने गाना नहीं गाया द किंगर पुट द बर्ड आउटसाइड वो कहते हैं कि तुम तो पागल हो किंग अपने सर्वेंट्स को कहता है चिल्लाता है कि बर्ड भी कभी कोई सिंगर हो सकता है इस बर्ड को बाहर ले जाओ इसको उड़ा दो द स्काई लॉक फ्लू ओवर स्टार्टेड टू सिंग अगेन जो स्काई लॉक थी वो उड़ जाती है और दोबारा से गाना गाना स्टार्ट कर देती है द यंग गर्ल लुकड अप एंड स्माइल जो यंग गर्ल जो बाहर लड़की थी एक उसने देखा और वो खुश हो जाती है कि हाँ जो स्काई लॉक है वो दोबारा से उड़ गई आई एम अ फूल द किंग थॉट किंग कहता ओ oh हो मैं तो पागल निकला मैं तो फूल था ही क्लोज इज आईज उसने अपनी आंखें बंद की एंड लिसन टू द सॉन्ग फिर जो स्काईलाग दोबारा उड़ने के बाद गाना गा रही थी उसको सुना एंड ही स्माइल्ड हैप्पीली और वो खुश हो गया तो ये चीज़ है कि अगर हम किसी को ज़बरदस्ती अपने पास रखेंगे तो वो कभी भी आपके साथ अटैच नहीं होगा हर एक को अपनी फ्रीडम और अपना टाइम चाहिए होता है तो जैसे ही uh, स्काईलाग को टाइम मिला वो उड़ कर चली गई और उसने गाना गाना स्टार्ट कर दिया बट जब वो किंग के पास थी तो उसने कुछ भी नहीं किया उस और किंग को गुस्सा भी आया उसको लगता था कि ऐसे थोड़ी बर्ड कोई गाना गा सकता है बट यही है कि किसी को ज़बरदस्ती अपने पास नहीं रखना चाहिए अनटिल एंड अनलेस जब तक वो अपनी कंसेंट से आपके साथ ना हो और अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है तो उसकी प्रॉपर केयर करो टाइमली फूड उसको घुमाने लेके जाओ टाइमली खाना दो प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह सब कुछ करनी चाहिए ओके थैंक यू